गौर से देखो गाइस। मैंने सोचा था कि इस पिलो की मॉडलिंग मैं ही करूंगी। ये डॉक्टर ने बोला है कि बच्चे को गाने पसंद है। रात दिन तेरे लिए सजदे करूं, दुआएं रात भर तो सो नहीं पाती हूँ और मॉर्निंग में अनूप को स्कूल जाना था तो उनको स्कूल भेज दिया। उनके जाने के बाद मैं हाँ एक दो घंटा जो है वो रेस्ट लेती हूँ और मैं लिटरली आपको बताऊंगा इसमें बैठे बैठे सो जाती हूँ, वो ज्यादा कम्फर्टेबल लगता है मुझे। सो गाइस अभी 9:30 बज चुके हैं तो नहा लेते हैं, नहा के पूजा कर लेते हैं। व्लॉग में एंड तक बने रहना क्योंकि हमारे व्लॉग में ना कभी भी कुछ भी हो जाता है। मेरे लिए गाजर का हलवा लाए ओ राम जी, हलवा खाओ मामा लाए बी हैप्पी। गाजर का हलवा, इसकी स्टोरी मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करूंगी। मेरा एकदम मन किया, मैंने कहा मामी ने हलवा बनाया है तो तेरे लिए लेके जाऊं, मैंने कहा जाके बच्चे को हलवा खिला के आऊं। ये आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको नहीं पता। तो इनकी फरमाइशें पूरी हो रही हैं, ये गाजर का हलवा आया है, मामी ने भेजा है। आज से करीबन हफ्ते भर पहले मैंने मामी से बोला था जनरल वे में कि गाजर का हलवा पसंद है, कि मेरा ना बड़ी क्रेविंग हो रही है हलवा खाने की, गाजर का हलवा खाने की, बट बाहर का नहीं खाना क्योंकि बाहर का बहुत मीठा होता है और मैं सिर्फ जनरली खाता हूँ। शाम को जैसे ही शाम होती है मेरी क्रेविंग होती है गाजर के हलवे की। थैंक यू मामी। ये अभी अभी स्कूल से आए थे, मामा भी अभी देकर गए हैं। मुझे तो पता ही नहीं चलता कि कब आया कब गया, खत्म कब हुआ। दूसरा वाला हलवा भी है, हलवा चले भी है। चेक कराऊं कैसा है? क्या बात है। और ये जो पार्सल आप देख रहे हो ये आया है हीलोफाई, एक ऐप है उसकी तरफ से। एक्चुअली अनूप ने कुछ ऑर्डर किया है जो मुझे ऑनेस्टली नहीं पता है, बट उन्होंने मुझे बता दिया था कि आपके पास एक पार्सल आएगा, आप रिसीव कर लेना और पैसे भी दे देना। मैं बहुत आलसी हो रही थी कुछ भी सामान ऑर्डर करने के लिए। ये एक एप्लीकेशन है जिसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी, आप अपने बेबी को ट्रैक कर सकते हो, बेबी की एक्टिविटीज, बेबी की डेवलपमेंट, साथ ही साथ आपके साथ क्या होगा डे बाय डे, वीक बाय वीक, वो भी आप ट्रैक कर सकते हो। तो इस एप्लीकेशन ने मुझे बहुत हेल्प करी है। इस एप्लीकेशन में आप ट्रैकिंग के साथ साथ चीजें भी ऑर्डर कर सकते हो। और ये वो मुझे बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दूं। आई वाज लाइक क्यों पैसे वेस्ट करने, अपनी 2-3 पिलो लगा लो, बट उन्होंने ऑर्डर कर ही दिया। क्या थर्ड ट्राइमेस्टर आपको करवट लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, आप एक करवट से दूसरे करवट जाते हो तो आपको बहुत पेन होता है, तो आपके स्टमक को भी, कि स्टमक बहुत हैवी हो चुका होता है, उसको एक सपोर्ट की जरूरत होती है, बैक को सपोर्ट की जरूरत होती है, तो उसके लिए ये मेटर्निटी पिलो डिजाइन किए गए हैं। और उसको इसको मैं आज रात में यूज करके देखूंगी तो मैं बताऊंगी कि कितना हेल्पफुल है। तो ये इस टाइप में होता है, ये सी जो आपको दिख रहा है ना, और काफी अच्छी कुशनिंग है इसकी, को सपोर्ट देगा एरिया। ये एक साइड आप अपने हेड को रख सकते हो और एक साइड अपने अपने लेग्स को के बीच में रख सकते हो, क्योंकि लेग्स के बीच में रखने से आपको बहुत सपोर्ट मिलता है। ये मैं आपको जब यूज करूंगी तो दिखाऊंगी, भारी तो है थोड़ा, तो ये एनाकोंडा जैसे तो ये एनाकोंडा जो है आई लव्ड इट। अनूप गोस्वामी जी अभी गए हुए हैं अपनी क्लास लेने, तो थैंक यू सो मच गोस्वामी साहब, आई लव यू सो मच। इसके साथ सबसे स्वीट चीज उन्होंने करी है, मुझे पता नहीं उनको पता भी था इसके बारे में कि नहीं, आउट ऑफ व्हाट नॉलेज उन्होंने ये कुछ क्रीम्स मंगाई है। पहले मैं देख लूं कि क्या है ये क्रीम्स। फर्स्ट इज बेबी सेफ क्लींजर, तो जो भी बच्चों की एक्सेसरीज होती है, बॉटल्स हो गई, टॉयज हो गए, वो खेलते हैं, आप उन चीजों को इससे क्लीन कर सकते हो। लेकिन प्रोडक्ट है हमारा बेबी सेफ फ्लोर क्लीनर। हाँ बच्चा, क्योंकि बच्चा क्रॉल करना शुरू कर देता है तो आपका फ्लोर जो है वो साफ होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक मदर के स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं टमी पे। तो मेरी गायनी ने तो बोला था
कि भैया सेफ अपना वो लगाओ, नारियल का तेल लगाओ। मैंने इसलिए नारियल का तेल ही लगाया, बट मेरे पति ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, आपको एक क्रीम तो मंगानी चाहिए। दिस इज स्ट्रेच मार्क क्रीम। देन वी हैव टू स्मॉल स्मॉल बॉटल्स अगेन। वन इज बेबी मसाज ऑयल, जिससे बच्चे की मसाज होगी ताकि उसकी हड्डियां मजबूत बने। इज मेथी सीड हेयर ऑयल, क्योंकि हमारी प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा हेयर फॉल्स होते हैं, आपके बालों का टेक्सचर चेंज होगा ही होगा। ये चार प्रोडक्ट्स, पांच प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे पति ने मंगाए हैं। दीज वर द प्रोडक्ट्स फ्रॉम हेलो फाई नेचर्स एंड आई एम लाइकिंग इट। हम ये गाना रोज एक बार बेबी को सुनाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि बच्चे को गाने पसंद है। बेबी को पेस पसंद। बेबी ढोल, बेबी ढोल में सोने दी। बेबी ढोल तू सोने दी। मैं खाने जा रही हूँ गाजर का हलवा जो मामी ने भिजवाया था, और बिकॉज ये आधा हो चुका है, पता नहीं किसने खाया, कोई बताने को तैयार नहीं। वाह, मेरे मामा जो है इसलिए बनारस से जो है बहू लेकर आए थे ताकि हमें ऐसा ही स्वाद जो है मिलता रहे, और ये पहली बार नहीं है। इसी बेशर्मी के साथ हम बचपन से खाते आ रहे हैं उनके यहाँ का खाना। गौर से देखो गाइस। मैंने सोचा था कि इस पिलो की मॉडलिंग मैं ही करूँगी गोस्वामी साहब के आने के बाद, मगर ये मेटर्निटी पिलो जो है, कैसा लग रहा है आपको मेटर्निटी पिलो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये आपने कैसे ले रखा है, आप लोगों को बताना चाहेंगे? देख रहे, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट इधर करो, इधर करो, इधर करो, ऐसे भी पीछे भी सपोर्ट है, और यहाँ पे भी अंदर कर लो, और ये पेट को भी सपोर्ट दे सकते हो ऐसे। इट्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, वो ऐसे रख के और अपने आप को ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैट्स ऐसे। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे पास बहुत जल्दी कोई एक असाइनमेंट आने वाला है, तुमको गर्भपति मॉडलिंग जो है वो मिल सकती है। जैसे मर्जी वैसे यूज करो। कुछ भी गोस्वामी साहब गर्भवती नहीं गर्भपति ने जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से आप मेटर्निटी पिलो को यूज कर सकते हैं। प्लीज आप भी अपने वाइफ के लिए मेटर्निटी पिलो खरीदें और खुद आप भी यूज करें। यस गाइस, आप भी यूज करें, एक तीर से दो निशाने मारें। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। हम मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। आकांक्षा अनु व्लॉग।